अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू किचन फूडीज। स्पाइसी क्रिस्पी आलू के समोसे बनाएंगे, लेकिन एक नए अंदाज के साथ। शेप को हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया है क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो खाने का दिल भी करता है। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे इसकी डो। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसको छान लेना है अच्छी तरह से। फिर इसमें डाल दी है 2 चुटकी अजवाइन। अजवाइन को हाथ से हल्का सा क्रश करके डालें। इस तरह से इसकी खुशबू अच्छे से निकल आती है, फ्लेवर भी आ जाता है। फिर इसमें डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून घी। ऑयल नहीं डालते समोसों में, हमेशा आप घी ही ऐड करें तो बहुत अच्छी आपकी डो बनकर आती है समोसे की। 1 टीस्पून भरकर इसमें डाल देंगे नमक। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, हाथ से मिक्स करना है। आप चाहें तो ये डो ज़्यादा अमाउंट में बनाकर भी रख सकते हैं, और जब भी आपको समोसे बनाने हो आप बस उसका मिक्सचर रेडी करें, इसमें डालें समोसों में, समोसा पट्टी में, और बस फ्राई कर लें बनाकर। अब हमने लेना है नॉर्मल पानी और इससे हमने इसको गूंद लेना है। जिस तरह से नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना, इस तरह से हमने इसको गूंद लेना है। अच्छे से डो हमारी बन गई है। अब हमने इसको रेस्ट देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, और इस टाइम पर हम रेडी कर लेंगे अपने समोसे की फिलिंग। दो टेबल स्पून ऑयल को गरम करके 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। 1 चुटकी डाल देंगे अजवाइन, थोड़ी सी हाथ से क्रश करके। जब जीरा और अजवाइन में से अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 4 अदद उबले हुए आलू, लेकिन उनको मैश करके नहीं डालना है, साबुती इस तरह से हाथ से मोटा मोटा मैश करते हुए डालेंगे। इस तरह से आलू डालने से समोसों का टेक्सचर बिल्कुल वैसा आएगा जैसा आप बाज़ार से लेकर खाते हैं। थोड़े से मोटे मोटे आलू होते हैं ना, उसमें बिल्कुल वही तरीका है ये। मिक्स कर लेंगे और हमने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। अब इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। हमने इसको स्पाइसी बनाना है ना, तो बस थोड़ी सी ज़्यादा मिर्चें डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी डालें, लेकिन हरी मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं है, इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा आएगा। और 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया काट कर डाल देंगे। चूल्हा बंद करेंगे। तो अब हमने जो आटा गूंद कर रखा था उसके हमने पेड़े बना लेने हैं, छोटे छोटे साइज़ के पेड़े बनाएंगे। हमने लेना है इस तरह का स्पून जिसमें सुराख होते हैं, चावल वाला स्पून है ये। इसके ऊपर हमने लगाना है थोड़ा सा ऑयल या घी, जो भी आप चाहें लगा सकते हैं। पेड़ा उठाकर इस पे रखना है और प्रेशर देते हुए इसको हमने बड़ा कर लेना है, हाथ से इस तरह से दबाते हुए स्पून के साइज का कर लेना है। एक बहुत ही प्यारी सी शेप आ जाएगी इसके अंदर समोसे में। अब हम इसे हटाएंगे तो देखेंगे आप कितना अच्छा डिज़ाइन आया है। जब ये समोसे फ्राई होंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे, खाने का दिल भी करेगा।
अब हमने इसमें रखनी है आलू की फिलिंग जो हमने बना कर रखी है। इस तरह से दोनों साइड से उठाएंगे और प्रेस करते हुए इसको बंद कर देंगे। है ना कितना आसान और यूनिक तरीका, आप भी इसको ट्राई करें। अब मैं आपको एक और बनाकर दिखा रही हूँ। बिल्कुल उसी तरह से हमने एक पेड़ा लेना है, हल्का सा ऑयल से ग्रीस करना है स्पून को और प्रेस करते हुए इसको बड़ा कर लेना है। ये देखें कितना प्यारा डिज़ाइन निकल आया है। हमने जो फिलिंग रेडी की है वो इसमें रखेंगे और इसको प्रेस करते हुए बंद कर देंगे। इसी तरह से सारे समोसे बना लेंगे। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको आगे इसी वीडियो में दिखाती हूँ कि आप किस तरह से बना सकते हैं। जो आपको इजी लगे आप वो तरीका अपना लें और उस तरह से समोसे बना लें। आप चाहें तो इनको बनाकर फ्रीज भी कर दें, जब चाहें खाना हो निकालें फ्राई करें। तो दूसरा तरीका ये है कि स्पून पर से हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के ऊपर आपने फिलिंग रखनी है और यहीं पर आपने हाथ से प्रेस करते हुए इसको बंद कर देना है। अब यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है और हमें समोसों को डीप फ्राई करना है। वन बाय वन इसमें सारे समोसे डाल देंगे, एक बार में जितने आए इस कढ़ाई में उतने डालेंगे। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने इसको टिश्यू पेपर पे रखना है ताकि जो एक्सेस ऑयल है ना वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर ले। तो क्रिस्पी और स्पाइसी आलू के समोसे रेडी हैं। इसको सर्व करेंगे हम केचप के साथ या डिफरेंट टाइप्स की चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये समोसे बने हैं। आपने भी रेसिपी ट्राई करनी है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।